दिलशाद कॉलोनी वार्ड से आम आदमी पार्टी बतौर पार्षद चुनी गई प्रीति हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। इन्होंने अलग अलग मौकों पर जो है एक तरह से बगावती सुर अख्तियार किया और एक वक्त मुझे याद आ जाता है जब सदन में इन्होंने मेयर की कुर्सी के सामने ठीक अपनी कुर्सी लगाई थी और उनसे सवाल पूछे थे। आज जब मैं बात कर रहा हूं तब वह जो है पंत मार्ग जो कि प्रदेश कार्यालय बीजेपी का है वहां पर वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सबसे पहले तो आपका आम आदमी पार्टी से यहाँ पर आना ये वजह क्या है रही? मैं नहीं आना चाहती थी, बिल्कुल मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं जिसके साथ चलती बड़ी वफादारी के साथ चलती हूँ और मैं नहीं समझती थी कि मुझे आना चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल का इशू चला, उसके ऊपर फिजिकल अटैक हुआ, हमारे मेंटली अटैक होते रहे रोज जब से हम आए, हम इनके जो इनके लोग हमें कमेंट्स करते थे उल्टे सीधे हमारे लिए। बींग अ लेडी मैं आज से नहीं हूँ, मैं 87 से रोड पर हूँ, मेरी ज़िंदगी बीत गई इसमें, तो आप लोग हमें ऐसे हरेसमेंट करोगे। जब मैं इनके लीडर्स को वो बाइट दिखाती थी तो गोपाल राय जी ने उनको पनिश करने के बजाय उनको और प्रमोट कर दिया, उनको प्रमोशन करके और पोस्ट दे दी। ये हालत है इनकी पार्टी के। तो आप देखिए कि कॉरपोरेशन का बिल्कुल बंटाधार है, 0/0 करके रख दिया इन्होंने, कहीं पर कोई काम नहीं। जी अब तो आप शामिल हो चुकी हैं और अमूमन थोड़ा सा साफ तौर पर बताएं किस तरह के हरेसमेंट की आप बात कर रही हैं और आपने काफी दिनों तक ये बातें जो है अभी रखी। और सबसे पहले तो इन्होंने मुझे चुनाव में ही हरेसमेंट किया, चुनाव में इन्होंने 3 पार्षद की टिकट दी, 2 शादरा और झिलमिल से और 1 मुझे, इन्होंने इन्हीं के लोगों ने उनको हराया दोनों को। और मेरे लिए भी निरंतर जहाँ मैं दिन में कंपेनिंग करती थी रात को पहुँच जाते थे किस लेडी को वोट मत करना, मतलब ये पार्टी का है। और मैंने आतिशी जी को इन द टाइम इलेक्शन के बीच में ही बता दिया था कि आपके लोग मेरे को ऐसे ऐसे हरेस कर रहे हैं। और एक दिन तो मेरा बेटा चूंकि यहाँ नहीं इंडिया में नहीं है, वो कनाडा में है, उसने मुझे एकदम बिल्कुल साफ कह दिया मम्मी आप इलेक्शन बीच में छोड़ो और आप चलो यहाँ से, मैं आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, आप किस गंदी पार्टी में आप शामिल हो गई हो जाके, जिनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि आप उनकी पार्टी से लड़ रही हो और वो आपको हरेसमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया, मैंने कहा तुमने जाना चले जाओ लेकिन मैं इलेक्शन बीच में छोड़ के इसलिए नहीं जाऊँगी, इसलिए नहीं थी कि इनकी पार्टी से मुझे टिकट मिला था, मैं तो 15 साल इंडिपेंडेंट आती थी, मुझे इनकी। आपके अलावा सरिता फोगाट ने भी ज्वाइन की है बीजेपी और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अगले दिन चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी के 17वें मेंबर का, आपके शामिल होने से आपको क्या लगता है उस मेंबर का चुनाव में जहां पर आम आदमी पार्टी बहुमत में दिख रही फिलहाल आंकड़ों में, आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा या आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा? हालांकि एक अनुमान ही जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना अपने साथियों को आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगी जो मेरे साथ पहले केजरीवाल पार्टी में बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं, मैंने तो हिम्मत की अपना पैर बढ़ाया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरेसमेंट का शिकार है, जिनका कोई काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे, मैं उनसे भी यही कहूँगी छोड़ दो इस रास्ते को, ये जैसे कहते हैं ना एक भुलेखे की पार्टी है, ये आपको धोखा देने वाली पार्टी है। और आपके चैनल से अगर मेरी हरियाणा तक आवाज जाए तो मैं कहूँगी कभी गलती मत कर देना, दिल्ली की हालत देखो क्या है इस समय, सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर देश की राजधानी की हुई पड़ी है तो आपके हरियाणा को भी सब्ज बाग दिखाएंगे, उसके बाद 0/0 है, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं, इनको क्या चाहिए पता नहीं, स्टेट बाय स्टेट, स्टेट पर स्टेट, हर स्टेट में इनको इलेक्शन लड़ना है। और मैं तो कहती हूँ जिस तरह से अब हरियाणा वालों को ये सोच लेना चाहिए कि अगर दिल्ली सरकार की सरकार चलाते हुए दिल्ली से एक लोकसभा सीट नहीं ले पाए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 21,000 पे हार के गए तो इनका रसूख क्या होगा जनता के बीच में, ये सोच ले। इसलिए हरियाणा वाले भटके नहीं, दिल्ली को याद रखें, दिल्ली को देखें, हम जैसे लोगों को देखें, ये अपने आप इनको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और प्रीति जी अपने इन्हीं बयानों के लिए जानी जाती हैं क्योंकि ये सदन में अपने जज्बात से ज्यादा बोलती हैं, इलाके की समस्याओं को उठाती हैं और शायद यही वजह है कि इन्होंने जब मौका देखा तो अपील भी कर डाली। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह।